हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक का डिज़ाइन जिसे आप प्लेन कुर्ती पे बहुत इजी तरीके से कढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी एंड बिल्कुल नॉर्मल मशीन से ही आपको इसमें कढ़ाई करना बताऊंगी तो चलिए ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट सो so, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुर्ती के पीछे एक फ्यूज़ पेपर को चिपका लिया है ये चिपकाना ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही आपको जो फिनिशिंग है वो आएगी आपके ड्रेस में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सत्रह इंच लंबाई में इस कुर्ती के ऊपर फ्यूज़ पेपर को चिपका लिया है आप चाहे तो न्यूज़ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं बट ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसमें फ्यूज़ पेपर चिपका लें तो यहाँ पे हमने नॉर्मल नेक को कटिंग करके रखा हुआ था जिसकी चौड़ाई हमने तीन इंच एंड लंबाई हमने पाँच इंच के करीब ली थी उसके बाद इसे हमने कटिंग करके इस तरीके से लगाना है तो जिस तरीके से आप नॉर्मल नेक बनाते हैं जिस तरीके से भी आपको बनाना है इसी तरीके से आप इसमें नॉर्मल नेक बना लें उसके बाद आप इसमें कढ़ाई करना स्टार्ट करें बहुत ही इजी है बहुत ही इजी मेथड में आ, मैंने आपको बताना बताया है यहाँ पे और कढ़ाई करने का तरीका नॉर्मल मशीन से आप बहुत इजी तरीके से इसमें कढ़ाई कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने अपनी नेक को कंप्लीट कर लिया है उसके बाद के हेल्थ से आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाली बनानी होगी तो आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाना बताऊँगी तो कुछ इस तरीके से पहले आप चाहे पेन से निशान लगा सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट चौक से भी इस तरीके से अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो इस तरीके से निशान लगा सकते हैं तो पूरे ही फैब्रिक पे मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग करती चली जाऊंगी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा सीरियसली मैंने पहली बार इसे बनाया है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये डिज़ाइन तो प्लेन अगर आपके पास कुर्ती है तो आप उसके ऊपर इस तरीके से ये डिज़ाइन बना सकते हैं कॉम्बिनेशन में फैब ट्राउजर ले सकते हैं या फिर आप ऑल ओवर सूट इसी तरीके से ले सकते हैं बट उसमें जो है डिज़ाइन आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मार्किंग कम्प्लीट कर ली है उस के बाद सेम कलर के आपको चार धागों को ले लेना है चार धागों के जो सिरे हैं आपको एक साथ ले लेने हैं तो एक कप में मैं इन चारों रील को डाल दूँगी एंड सबके जो धागे हैं वो इस तरीके से निकाल लेने हैं एक ही कलर के आप धागे ले ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा सा हल्का डार्क मैंने चल जाएगा क्योंकि मैंने भी ले रखा है बहुत अच्छा सा इसका लुक आया था तो यहाँ पर मैंने चारों धागों को एक साथ कर लिया है उसके बाद इनको आपको मशीन के अंदर डालना है तो सबसे पहले आपको अपना जो कप है वो पीछे की साइड को रख देना है कुछ इस तरीके से उसके बाद ऊपर से आपको इस तरीके से लाना होगा इसे एंड जिस इस तरीके से हम धागा पिरोते हैं अपनी मशीन में उसी तरीके से आपको इसमें लगाना होगा आगे का जो ये बटन होता है इसको आपको हल्का सा लूज़ कर लेना है जिससे जो आपका धागा है वो अच्छे से चल जाए ज़्यादा टाइट धागा ना चले आपका इस चीज़ का ध्यान रहे उसके बाद आपको सुई में अपना जो धागा है वो पिरो लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सुई में धागे को पिरो लिया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मोटा धागा होगा बट जल्दी पिर जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने पिरो लिया है जो आपकी सिलाई है वो थोड़ी सी छोटी कर लें बड़ी से जो थोड़ा चार नंबर होता है उस पर आप इसे स्ट्रच करें तो यहाँ पे आप मार्किंग को फॉलो करते रहें एंड इसे स्ट्रिच करते जाएं तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है आपकी क्योंकि जो हमारे रील है वो कप में है वो निकल भी सकते हैं बाहर तो बट आपको हल्के हल्के से इस तरीके से इसे स्ट्रिच करते चले जाना है बहुत ईजी है गाइज बना के ज़रूर देखिएगा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अगर आपसे चार धागे नहीं चल रहे हैं इसमें तो आप दो धागे भी सिंपल लगा सकते हैं बट इसमें आपको डबल डबल सिलाई करनी पड़ेगी जिससे ये चार धागों की सिलाई हो जाएगी आपकी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है उसी निशान पे हम फॉलो कर रहे हैं अपनी स्टिचिंग को उसके बाद नीडल को आपको यहाँ पे अंदर की तरफ करना है एंड अपने फैब्रिक को घुमाना है जहाँ पे बिल्कुल आखिर हो जाएगा वहाँ पे उसके बाद आपको दोबारा से स्टिचिंग करनी है इसके ऊपर एंड जो आपका लाइन दोबारा से कहीं और जा रही है वहीं पर आपको ले जाना है सो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो लाइन है वो मुड़ रही है तो यहीं से मैं अपनी मशीन की जो सुई है वो घुमा अंदर रखूंगी एंड फैब्रिक को घुमाते हुए अपने डिज़ाइन को कम्प्लीट कर लूँगी सो इसी तरीके से आपको इसमें कढ़ाई को कर लेना है सो गाइज यहाँ पे जो हमारी स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है आपको बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में दिखाया है उसके बाद हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है इसके ऊपर छोटे छोटे फूल हैं एंड हल छोटी छोटी सी पतिये हैं आप इसी तरीके से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें छोटे छोटे फूल या फैब्रिक पतिये हों तो यहाँ पे मैं सभी पतियों को एंड फ्लावर को इस तरीके से निकाल लूंगी अच्छे से फिनिशिंग कर लूंगी तो काफी सारे मेरी जो पति फ्लावर हैं वो निकल गए थे इस फैब्रिक में से कह यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारी पतिये एंड फ्लावर मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं उसके बाद जो फूल है हमारे उन्हें मैं नोक पे लगाऊंगी यहां पे कुछ इस तरीके से तो सारी नोकों पे मैं इसी तरीके से फूलों को रख दूंगी एंड जो पतियां हैं वो आपको अच्छे से डेकोरेट कर लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो यहां पे मैं इसे फेविकॉल से भी चिपका लूंगी आप चाहे तो सुई धागे की हेल्प से भी इसे टाँक सकते हैं मैं पहले इसे फेविकॉल से चिपकाऊंगी उसके बाद इसे सुई धागे की हेल्प से टाक लूंगी तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है आप प्लेन फैब्रिक को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं बहुत अच्छा डिजाइनर सूट आपका ये बनके तैयार होगा आप चाहे तो इसे प्लाजो पैंट पे भी बना सकते हैं इस तरीके के डिजाइन को या फिर आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं वो आपकी चॉइस है मैंने यहाँ पे नेक का डिज़ाइन आपको शेयर किया है आपके साथ सो आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये नेक का डिज़ाइन एंड आइडिया तो बहुत सारे डिज़ाइन्स मैं आपके लिए इसी तरीके से लेके आती रहती हूँ तो मेरे चैनल को विजिट करके ज़रूर देख सकते हैं अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं सो वही है। यहाँ so, पे आप देख सकते हैं सारी पतियाँ एंड फ्लावर मैंने यहाँ पे लगा दिए एंड फेविकॉल की हेल्प से मैंने सबको चिपका भी लूँगी सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कैसा लगा मेरा ये डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डाली कंप्लीट वीडियो वहां आकर फोटो के फोटो के